अस्सलाम वालेकुम यार, मोस्ट कॉमन सवाल जो अभी फिर भी अगेन अगेन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो फाइनल टर्म के जो अभी एग्जाम्स हैं, इसमें हम कैसे पास होते हैं, कौन कौन सी और कहाँ कहाँ से तैयारी करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, या फिर कह लेंगे मतलब फाइनल टर्म्स के एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आखिरी वीडियो होगी, जिसमें मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। करंट पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है गुड सी जीपीए लेने के लिए। वीडियो के एंड तक वॉच के लिए दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं, अब आपके जो एग्जाम थे 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, और मैंने आपको एक टिप दी थी डेट शीट बनाते वक्त कि 27 के अलावा आपने 28 से अपने पेपर रखने हैं, ताकि 27 को जो पेपर हो गया है आपको उससे आइडिया हो जाएगा पास्ट पेपर में से आ रहा है कि नहीं आ रहा, पेपर कहाँ से आसान है, मुश्किल है, या फिर जो भी अगर कोई एक नेगेटिव कोई पॉइंट आ रहा हो तो वो आपको पता चल जाता है ग्रुप्स में। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, करंट पेपर्स वगैरह, पास पेपर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर आपने सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है, जैसे कि 40 मार्क्स एमसीक्यूज है, मैंने आपको बताया था कि 40 के 40 एमसीक्यूज आपने करने हैं। ऐसा नहीं करना आपने कि 33 मार्क्स के एमसीक्यूज आपने करने हैं और 7 की चॉइस है तो आप चॉइस वाले छोड़ के आ जाएं, चॉइस वाले को छोड़ना नहीं है क्योंकि वो कंसिडर किए जाएंगे आपके, ठीक है। और आपने तैयारी कैसे करनी है, सैम्पल पेपर मैंने आपको बताया है, सैम्पल पेपर आपने डाउनलोड कर लेने हैं। सीएस के स्टूडेंट्स के मोस्टली सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं भी आए हुए, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके तकरीबन सबके सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं। सैम्पल पेपर से पता नहीं क्यों मुझे इस दफ़ा मेरा दिल कह रहा है कि इस दफ़ा पेपर उसमें से बनेगा, उसमें से लाजमी क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो रिपीट होंगी, लाजमी होंगी, और आपने वो करनी है। अनसॉल्वड है सॉल्व आप कर लेना, आपको मिल जाएंगे गूगल से इसके और हैंड आउट से इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा अपने पास्ट पेपर्स में साल जुनेद इंस्टीट्यूट की फाइल्स, मॉस की फाइल, वकार सिद्धू की फाइल्स, आपने ये 3 फाइल्स लाजमी करनी है। अल जुनेद इंस्टीट्यूट की फाइल्स में बहुत वैलिड होती हैं, मेरा लास्ट सेमेस्टर है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसिस का, मेरा प्रोजेक्ट भी हो गया है और ये सब चीज़ें मैंने अल जुनेद इंस्टीट्यूट की फाइल से सीखी हैं, और मतलब वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही हैं। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको हैंड आउट्स पढ़ना पड़ेंगे, हैंड आउट्स की तैयारी करें। अच्छा हाँ, आप उसके हिंट कैसे ले सकते हैं कि कहाँ से आएगा सब्जेक्टिव, वो आप पास्ट पेपर्स देखें, उसमें से देखें कि सब्जेक्टिव कैसे बना हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सब्जेक्टिव के बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप वो वाले क्वेश्चन करके ज़्यादातर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता चल जाता है, और आप ईजिली वो टॉपिक करके तो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या था, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और इनके बारे में मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको पेपर ना भी आता हो तो आपने अटैम्प्ट उसको लाजमी करना है, लाजमी अटैम्प्ट करना है, ताकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया हुआ हो तो उसके नंबर भी आपको दे देती है, मतलब कि ये एक कह लें कि अच्छी बात है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। इस दफ़ा स्ट्रिक मार्किंग का है कि नहीं, स्ट्रिक मार्किंग यार पता नहीं स्ट्रिक मार्किंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा स्ट्रिक मार्किंग ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मसला बना था उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी थोड़ा सा हार्ड डीला रखेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चीटिंग के बारे में बात करें तो यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चीटिंग शीटिंग वाला कोई सीन नहीं है, चीटिंग शीटिंग कोई नहीं होती वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। हाँ, पेपर में जाने से आधे घंटे पहले आपने सेंटर पहुँच जाना है, और जो आधा घंटा आपको मिलेगा वहाँ पर जाके आपने आधा घंटा पहले तमाम एमसीक्यूज़, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और हैंड आउट्स रिवाइज़ कर लेने हैं। उसका क्यों ये होता है कि लास्ट टाइम में आपको पता है कि जो पढ़ा जाए वही पेपर में आया हुआ होता है, मतलब जो क्वेश्चन हम लास्ट टाइम हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने वही क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि ये नहीं आएगा वो आएगा पेपर में, आपने उसको रीड आउट करना है, ठीक है। और हाँ, तक और व्यू आईडी कार्ड और अपना शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी है, और जब पेपर के दौरान आपने अटेंडेंस लाजमी लगानी है, और पेपर को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ अल्लाह ताला को याद करके बिस्मिल्लाह करना पेपर, ठीक है। और फाइनल टर्म प्रिपरेशन आपको देखें खुद ही करनी है, इसमें आखिरी टाइम पे मैं तो कहता हूँ ना पढ़ें, आखिरी टाइम पे हमेशा ऐसा ही होता है कि उसमें शोर मचा हुआ होता है कि जी कल हमारा पेपर, हमें हैंड आउट्स दें, हमें पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ वगैरह दें, तो आखिरी टाइम पे क्यों आपको याद आता है, पहले क्यों नहीं याद आता, पहले सोए हुए होते हैं आप लोग, और पहले आप पढ़ें और आज से तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपका जब जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप माइंड आपका रिलैक्स हो, आपने सिर्फ ये करना हो कि आपको सिर्फ रिवाइज़ करना हो पेपर वाले दिन, रिवाइज़ करें और अच्छे से पेपर दे के आएँ। 60% वेटेज है फाइनल टर्म का, 60% वेटेज बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप इजीली पास हो सकते हैं, और वर्क सेमेस्टर 40% का है। बाकी ये बहुत दफ़ा मैं बता दूंगा, बहुत बार एक बात रिपीट करना जो है वो अच्छा नहीं होता,
वीडियो के एंड में ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।